माँ काली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, और आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ फूल भट्टी कैसे बांधते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए फोटो और वीडियो के तरफ। ये जो जाली, पाइप और ब्लोर देख रहे हैं आप लोग, ये हम यहाँ से डिलीवरी करते हैं फ्री में। मिस्त्री लाने का कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप खुद ही बना पाएंगे भट्टी। बस कुछ ईंटा वगैरह और मिट्टी का ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं। ये ऐसे रहेगा, मिडिल में जाली और बाहर के तरफ पाइप रहेगा। ऐसे पाइप में ब्लोर फिटिंग रहेगा और ऐसे राउंड कर देना है, बस सिंपल सा काम है ये। आप ऐसे ईंटा और मिट्टी देके आपको फुल ऐसे मोड़ देना है मशीन को कि बाहर स्टीम ना आ पाए और बाहर आपको काम करने में आसानी हो और कम स्टीम में आपको काम हो। ये भट्टी एकदम सिंपल सा काम है। इसके लिए मिस्त्री बुलाना कोई ज़रूरत नहीं। जो बुलाते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप घर में भी कर पाएंगे। इतना कोशिश करते हैं कि आप घर में सीखिए, क्योंकि हम खुद बना के आपको दिखा रहे हैं कि कैसे भट्टी बनते हैं। भट्टी बनाने के लिए मिस्त्री का कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर आप नहीं कर पाएंगे तो बुलाइए, वो अलग बात है। लेकिन देखिए जाली मिडिल में रहेगा, इसके ऊपर लकड़ी पड़ेगा, बस इतना सा काम है। ये माँ काली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से पहले बार आपको दिखा रहे हैं फुल भट्टी स्टेप बाय स्टेप कैसे बनते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस एकदम सिंपल है। ये तीन मिस्त्री नहीं, एक ही मिस्त्री बना पाएगा, लेकिन हम जल्दी की वजह से तीन मिस्त्री लगाया है। मिट्टी का यूज़ करिएगा, सीमेंट का यूज़ मत करिएगा। भट्टी में सीमेंट लगेगा तो फट जाएगा। ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे लकड़ी वगैरह घुसेगा जिसमें आप हीट करेंगे। लकड़ी हो या काजू के छिलके हो, किसी भी तरह चीज़ लेके आप यहाँ अब काम चला सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए फाइनली ऐसे बन गया। फाइनली आपका जो भाटी है ऐसे यहाँ पे ब्लोर रहेगा। ये फाइनल स्टेप है बनाने का। और यहाँ पे गो ब्लोर रहेगा, हम दिखाते हैं ऐसे ब्लोर रहेगा। बस सिंपल सा काम है, आप करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।